अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईएनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। एआईएमआईएम के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन और जीएचएमसी जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने आज निज़ाम कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, शाताम तालाब, हीरा गली, मोती दरवाज़ा, रेती गली, कठोरा हाउस, रेशम बाग, खुली कुतुब शाह नगर और कारवान के कुछ एरिया भी रात भर बारिश की वजह से जो नुकसान हुए हैं उसका मुआयना किया, जिसमें नानलनगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अजीज़ खान पठान और टोलीचौकी के नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरान भी मौजूद थे। जो बारिश थी रात में 11:30 बजे से लेकर 3 बजे रात तक जो तूफानी बारिश और रात ही में बारिश के दरमियान में जमात के तमाम जिम्मेदार इब्तदाई सदर मोहम्मदीन को अलाट किया गया था और तमाम आफिसरों को अलाट किया गया था। रात में जितना हो सकता अवाम की और तमाम इलाके जात के अंदर काम करें। अभी सुबह में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक जोनल कमिश्नर के साथ में कारवान के मुख्तलिफ इलाका जात का जो नदीम कॉलोनी के अंदर अभी रात की बारिश की वजह से रोडों के ऊपर पानी 2 फीट पानी जमा हो चुका। मैं समझता हूँ अगर बारिश ना हुई शाम तक तो क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ जमाली कुंटा, गोलकुंडा, हीरा खाना, सारे नगर कंचा, टोलीचौकी, निर्जा कॉलोनी, विरासत नगर, मोहम्मदी लाइन, गोलकुंडे के तमाम इलाके जात का तफसीली पैदल दारावा, निज़ाम कॉलोनी वगैरह और ख़ासतौर से एक टोलीचौकी इलाके में जो बॉगजन का काम चल रहा है जिसकी वजह से जो मुल्कापुर का पानी का नाले का डायवर्शन आर्मी वाले डायवर्ट करने की वजह से निज़ाम कॉलोनी टोलीचौकी को आकर वो पानी अफेक्ट कर रहा है और उसके भी तफसीलात बताएं। पिछले 20 दिन से कंट्रेक्टर का काम रुकने की वजह से जो आज निज़ाम कॉलोनी में थोड़ा आवाम को सफ़र होना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ अभी जोनल कमिश्नर साहब ने तयखुन दिया कि शाम तक उसको बुलाकर वार्निंग देकर 2-3 दिन में काम चालू करने का तयखुन दिया। मैं समझता हूँ अपने कारवान के अंदर चंद जगह पर आवाम को थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा और सुबह में 7 बजे जैसे ही ऑफिसर्स के साथ में और तमाम लेबर्स तमाम अहदेदारों के साथ में दौरा करते थे, तमाम जगह पर पानी क्लियर किया गया और नदीम कॉलोनी के अंदर मैं समझता हूँ 1-2-3 घंटे के अंदर वहाँ पर भी पानी उतर जाएगा और कई कामों की मंजूरी भी अमल में आई, जैसा कि नदीम कॉलोनी हो या जमाली कुंटा हो या हिमपेट हो या गोलकुंडे हो, इन तमाम इलाकेजात का जोनल कमिश्नर ने खुद देखा रोड जो डैमेज हुए इन तमाम कामों के लिए तयखुन दिया गया है, जल्द से जल्द सैंक्शन करने का तयखुन दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।